हाँ भाई, कहाँ सांप देखा है आपने? ये टाइम देखा है अंदर, अभी कल से दिखाई दे रहा है। कल से? हाँ कल से। दोस्तों, यहाँ एक मकान बन रहा है, इस मकान के अंदर ये रोहित जी कह रहे हैं इसके अंदर सांप गया है। आपने कहाँ पर सांप देखा है? ये यहाँ से भागा, वहाँ गया, बहुत बड़ा है वो। आगे दिखाइए। वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो यार, मैं और क्लोज करा। आइए। अच्छा, इसी में है? जी, इसी में। अच्छा, इसे सामने वाले में? हाँ, सामने वाले। पीट को हटाना पड़ेगा भाई जी, कोई ऐसे सीधा आया और इसी में घुसा है भाई जी। आप दो एक लोग लपट जाइए, फटाफट फट करके हटा लीजिए, जल्दी हो जाएगा। रोहित भाई जरा जी जरा सहयोग कीजिए हमारा। यहाँ पर सांप बड़ा है? हाँ बहुत बड़ा है, बहुत डेंजर है, काला है। अब ना लास्ट में मिले वाला लाइफ कम गई। हाँ जान चालू। रोहित जी, आप इसको कितने दिन से देख रहे हैं सांप को? लगभग दो तीन दिन से आए हैं। अच्छा, आदमी काम कर रहे थे, कोई आता नहीं यहाँ पर। अब सब डर के मारे भाग गए। सब डर गए हैं, ऐसा हुआ दो तीन बार दिखाई दे, इसलिए आदमी लोग डर गए। इधर देखिए साइड में, देखिए है सांप बैठे। जूम से लोग आया, बैठने से टाइम लगा रहा है ना। ये धामिन सांप है भाई। रोहित जी हटाइए इसको, मर गया। इधर तो नहीं निकलेगा ये। नहीं नहीं नहीं, वहाँ पे है। नहीं यहाँ पर, वहाँ हटाइए हटाइए, एकदम इधर का हटाइए, कोई दिक्कत नहीं। इसका फन तो यही पर है आगे। ये फन वाला सांप नहीं है, धामिन सिर्फ है। धामिन जहरीला होता है? नहीं नहीं, जहरीला नहीं होता है। देखिए देखिए, हर वो कलमुड़ी दोस्तों, ये धामिन सांप है। ये धान उनके खेत में बहुत ज्यादा रहता है, बाजू में धान भी है। जी जी। I'm out of here.
नहीं नहीं धामन साफ है सड़ियेवा दिखा तो हई कहा था सड़ियेवा है एक थैली ला भाई थैली दहो के थैली बरवा दे पर सांप दिखाई दे रहा है तो हमें तुरंत फोन करिए मैं तुरंत आऊंगा। ये मत सोचना इतना पैसा लेंगे उतना ये सब कोई बात नहीं है। अरे जो समझदार होगा हमारे तेल का पैसा देगा। कहाँ कब आ रहे हो? आकाश हमारा देगा और ना आदमी देगा ही रामचंद्र कब आ रहे हो? इसी में अभी तो आए तुरंत आए हैं काका तुरंत पकड़े दो सेकंड पिछड़ा ना देख ले बताइए पकड़ के ले जावत है भगवान बताइए सांप से सर क्या मतलब सबको नुकसान क्या हो सकता है बताइए थोड़ा सांप से नुकसान ये सांप ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है। कौन सांप है? ये धामी सर्प है। कभी कभी रात में जब इंसान को काटता है जैसे रात हो गई आदमी देखा नहीं हमें कौन सा सर्प काटा है सही उसका हार्ट अटैक हो जाता है आदमी को। अरे बाप रे मुझे तो सांप काटते हैं इसमें जहर नहीं होता है ये पूंछ से मारता है तो सड़न पैदा हो सकती है। अच्छा सर इसमें बाली होती है छोटी छोटी यदि बाली टूट गई तो सड़न हो सकता है। इसे धामिन सर्प कहते हैं असहिया कहते हैं घोड़ा पछाड़ कहते हैं घड़कराइत कहते हैं कई नाम से लोग इसको जानते हैं। अरे कौन से गांव है? ये मिर्चादेपुर गाँव है। किसे किसे घर है? एक कलजरा मोड़ है और यहाँ ये मकान बन रहा है इसमें ये सांप घुसा था हमको फोन हुआ मैं तुरंत आया और भाई ने बताया यहाँ सांप है मैंने इसको रेस्क्यू किया है अब मैं इसको लेकर चल रहा हूँ। अब कहीं से और फोन आया है वहाँ जा रहा हूँ सांप पकड़ने के लिए भाई और फिर अगले वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी मेरी। चलिए ठीक है सर तो हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं सर बताइए? दर्शकों को कहना चाहता हूँ घर के अंदर साफ सफाई रखें। सही सर सांप से सावधान रहें घर के अंदर चूहा ना हो यदि चूहा आएगा तो सांप जरूर आएगा और वो चूहा समझ के आदमी को काटेगा। अगर समय से उपचार नहीं हुआ तो आदमी चला जाता है। तो सर ऐसी बात बता सकते सर कि जो हमारे जो सब व्यक्ति हैं और सब हैं फिर हमारे माता हैं बहनों जो हैं तो ऐसे कोई बता दीजिए कि सांप से थोड़ा दूर रहें ऐसे कोई आपके पास कोई है? माताओं और बहनों से निवेदन है घर के अंदर साफ सफाई और जो भैंस का गोबर होता है 8 दिन में 10 दिन में 7 दिन में 6 दिन में 5 दिन में उसको गोबरी करें घर को घर की लिपाई गोबर से लिपाई करें। अच्छा उसके गंध से सांप वहाँ नहीं आता है। अच्छा गोबर से अच्छा जहाँ भैंस बांधी जाती है जहाँ खाद होती है देसी खाद वहाँ सांप नहीं जाता है सही। इसलिए गोबरी करने से बहुत लाभ होता है सांप घर में जल्दी आता नहीं। कभी कभार ये धामिन सर्प जो होता है ये चूहा पकड़ते डायरेक्ट घर में घुस जाता है और कोबरा जो होता है वो समय देखता है कब अंधेरा हो कब मैं घर में जाऊँ खाने के लिए और कोबरा ओबरा ये सब जानकर बूझ कर नहीं काटता है किसी को मैं काट लूँ मर जाएगा वो अपना शिकार समझकर काटता है जानवर वो समझ के अपना काम करता है। इसलिए भाई यही निवेदन है। धन्यवाद। जय भारत। जय हिंद।